हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट का सेशन 2022 से 26 ग्रेजुएशन का है। ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी सेशन यूजी का या फिर ग्रेजुएशन का बोल सकते हैं, जिनका भी सेशन 22 से 26 है उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा अभी सेमेस्टर 3 में आप लोगों का एडमिशन कॉलेज के तरफ से स्टार्ट हो गया है और आप सभी लोग अपना एडमिशन ले ले रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है कि वो सेमेस्टर 2 में नॉट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3 वाला जो रिज़ल्ट शो किया था आप सभी लोगों का, उसमें बेसिकली बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हम सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, क्या हम अपना स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, क्या प्रोसेस है आगे एडमिशन लेने का, हम आगे हम एडमिशन होगा भी कि नहीं, अगर हम एडमिशन लेते हैं तो क्या एग्ज़ाम फॉर्म हम भर पाएंगे सेमेस्टर 3 में कि नहीं, ये सारा जो डाउट है वो इस वीडियो में कम्प्लीटली हम क्लियर कर देंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनली यहाँ पर नोटिस निकल कर आ चुका है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत जितने सारे कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस में, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आशा है कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं दोस्तों तो कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप इससे डिसीजन ले सकते हैं कि सेमेस्टर 3 में आप एडमिशन लेने लायक हैं या फिर नहीं ले सकते, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिजल्ट में आपका क्या क्या आया। देखिए रिजल्ट बेसिकली आपका 3 तरह का था, एक यहाँ पर आप देख सकते हो पास था, क्लियर है। जो दोस्तों पास है उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, हम पास का बात नहीं करते, पास हो गए दैट मीन्स वो ऑटोमेटिक सेमेस्टर 3 में चल गए, क्लियर है। और जो प्रमोटेड है दोस्तों, ठीक है, प्रमोटेड है उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी यहाँ पर सेमेस्टर 3 में प्रमोटेड कर दिए गए हैं, क्लियर है, बाई द रूल, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है आप नीचे आओगे तो बहुत ऐसे भी कैटेगरी हैं बहुत लोग का जो कि आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो में, यहाँ पर आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक जो सेक्शन है वो आपका प्रमोटेड का सेक्शन है, यानी कि प्रमोट कर दिए गए हैं सेमेस्टर 3 में, क्लियर है। सेमेस्टर 3 में बेसिकली ये आपका चल गए हैं, सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि हम अगर बात करते हैं पास और प्रमोटेड वाले के लिए तो इन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लोग सेमेस्टर 3 में चल गए हैं और अपना एडमिशन भी कंटिन्यू ले सकते हैं। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो एक और सेक्शन है, नोट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर, क्लियर है। आपके रिजल्ट में आपका लिखा हुआ होगा फेल, क्लियर है, और नीचे रिमार्क में, ठीक है, जहाँ आप रिमार्क देखोगे वहाँ पर आपका लिखा होगा नॉट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, क्या इतने सारे स्टूडेंट, आप देखो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप बात करोगे प्रमोटेड में बहुत कम स्टूडेंट है, नॉट प्रमोटेड में ही ज़्यादा स्टूडेंट है, क्लियर है। तो इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी, इससे पहले मैं बता दूँ विनोद बिहारी महतो BBMKU के तरफ से नोटिस निकाला गया था। अब यहाँ पर फिलहाल हम लोग का अपना यूनिवर्सिटी जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की है, उनके भी तरफ से सभी स्टूडेंट के हित में यहाँ पर आपका जो नोटिस है वो निकल कर आ चुका है। क्या अपडेट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलिए। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि नोटिस आप पढ़ के देखोगे तो आपको परेशानी होगा, मैं आपको पढ़कर क्लियरली सारा चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए नोटिस जो निकल कर आया दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 फरवरी 2024, यानी कि आज ही के दिन कुछ ही देर पहले यहाँ पर निकाला गया है, क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या अपडेट है। देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग FYUGP NEP 2020 के नियमावली में सेमेस्टर 3 परीक्षा संबंधित अधिसूचना, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दिनांक 20 फरवरी 2024 को संपन्न परीक्षा परिषद की बैठक के मत संख्या 1849 के अनुसार विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कार्यालय आदेश संख्या जो है यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 21 फरवरी 2024 के आलोक में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की एक बैठक दिनांक 22 फरवरी 2024 की बैठक में, ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए कि बैठक में ली गई निर्णय अनुसार FYUGP NEP 2020 के नियमावली में सेमेस्टर 3 परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को सेमेस्टर 3 में किए जाने संबंधित निम्नलिखित निर्णय लिया गया है, ठीक है। प्रणोत मतलब बोल सकते हो कि प्रमोट करने के संबंध में यहाँ पर आपका, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं जो ये चीज़ आपको बताया पढ़कर, बेसिकली यहाँ पर यही बोल रहा है कि सेमेस्टर 3 में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उन लोग का जो है प्रमोशन की बात है, यानी कि सेमेस्टर 3 में प्रमोट करेंगे तो कैसे विद्यार्थी कर सकते हैं, कौन कौन करेंगे, क्या सभी कोई
नॉट प्रमोटेड है, क्या सभी कोई को प्रमोट कर दिया गया, तो वो भी यहाँ पर बताया, मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक एक करके समझिए, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर आप देखोगे, फर्स्ट जो पॉइंट है कैसे वो विद्यार्थी को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। FYUGP NEP 2020 नियमावली में प्रणोत संबंधित मानदंड में सेमेस्टर वन एवं सेमेस्टर टू, ध्यान से सुनिएगा कि कुल 12 विषय में से 9 विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को सेमेस्टर थ्री में प्रणोत किए जाने का प्रावधान है, किंतु वर्तमान परिस्थिति में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सिर्फ FYUGP सत्र 22-26 के लिए उक्त 12 विषयों में से कुल 7 विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को सेमेस्टर 3 में प्रणोत किए जाने की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। क्लियर है? यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, पहले आप देखो, देखिए सेमेस्टर 1 में अगर हम टोटल विषय की बात करें तो आपका पता होगा 6 विषय था, ठीक है। सेमेस्टर 2 में हम बात करें तो आपका 6 विषय का परीक्षा दिए थे, टोटल आपका सब्जेक्ट हो जाता है 12। 12 में से यूनिवर्सिटी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप यहाँ पर बोला गया था 12 में से जो ना सब्जेक्ट में अगर आप पास हो चुके हैं वही सेमेस्टर 3 में एडमिशन यानी कि प्रमोट हो सकते हैं या फिर एडमिशन ले सकते हैं और आगे अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस बार सिर्फ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 22-26 के लिए आपको बोला गया है कि आप अगर, ठीक है, 12 विषय में से कुल 7 विषय में भी अगर उत्तीर्ण है, ठीक है, 3 विषय छोड़ दीजिए, ठीक है, 9 में आपको पास होना था तभी आप सेमेस्टर 3 में जा पाते, बट यहाँ पर बैठक में फैसला लिया गया और आपको छूट दिया गया कि 12 विषय तो टोटल थे बट 9 की जगह अगर आप 7 विषय में भी पास है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को मिलाकर तो आप लोग सेमेस्टर 3 के लिए प्रमोट कर दिए गए हैं। क्लियर है? तो अगर आपको ये आप बात क्लियर हो जाना चाहिए। उस अब आप कैसे चेक करोगे कि आप कितने सब्जेक्ट में पास हो और कितने सब्जेक्ट में फेल हो, तो इसका एक अच्छा उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सेमेस्टर 1 का मार्कशीट आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड किए होंगे या कॉलेज से मिल गया होगा, सेमेस्टर 2 का भी मार्कशीट आप ऑनलाइन डाउनलोड किए होंगे या कॉलेज से मिल गया होगा, ठीक है, जैसे भी है आपके पास जो अवेलेबल है आप अपना निकाल लीजिए। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट्स है उसमें आप देखो कि आप कितने सब्जेक्ट्स में पास हो, ठीक है। आप अगर टोटल आपका 6 सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 का, 6 सेमेस्टर सेमेस्टर 2 का, टोटल हो जाता है 12, ठीक है। 12 सब्जेक्ट्स में आप ये देखो कि आप कम से कम 7 सब्जेक्ट्स में पास हो या नहीं हो। अगर आप 7 सब्जेक्ट में पास हो तो ये नोटिस के अकॉर्डिंग आप सेमेस्टर 3 के लिए प्रमोट कर दिए जाओगे, क्लियर है, और सेमेस्टर 3 पर आप एडमिशन ले सकते हो, या तो 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपका अगर पास है उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल आप सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले सकते हो और अपना कंप्लीट जो है एडमिशन लेकर एग्ज़ाम फॉर्म भी आगे फ्यूचर में भर सकते हो। बट उसके साथ साथ एक और नोटिस निकल कर आया है सेकंड में, आप देखिए जो आप ही के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रमोट तो कर दिया है सेमेस्टर 3 में बट आपके साथ यहाँ पर एक आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर आप देखिए, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर 5 में प्रमोशन FYUGP सत्र 22-26 के लिए उन सभी परीक्षार्थियों क्रम संख्या 1 को मौजूद प्रमोशन क्राइटेरिया को पूर्ण करना होगा, अर्थात सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 के 24 विषयों में से 18 विषय में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। क्लियर है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए आपका इसका नोटिस का मतलब क्या हुआ। देखिए एक साल में आपका 2 सेमेस्टर होता है दोस्तों, और 2 साल में आपका टोटल 4 सेमेस्टर हो जाएगा। 2 सेमेस्टर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 कंप्लीट होता है, और यहाँ पर आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 कंप्लीट होता है दूसरे साल में, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 सब्जेक्ट में पास होना था बट अभी के लिए सिर्फ फिलहाल के लिए 7 सब्जेक्ट कर दिया गया है आप लोग के लिए कि आप लोग का लाइफ बर्बाद ना हो और ईयर आपका बर्बाद ना हो। बट जैसे ही आप सेमेस्टर 3 और 4 आपका हो जाएगा कंप्लीट दोस्तों, ठीक है, तब आपको 9 सब्जेक्ट आपका एक साल का, 2 सेमेस्टर का और 9 यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 2 साल में आपका 4 सेमेस्टर होता है, तो बेसिकली आपको 18 सब्जेक्ट्स अब में आपको पास होना पड़ेगा। क्लियर है? ये बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टोटल अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर आप 6 × 4 करोगे तो ये आपका 24 सब्जेक्ट्स होता है, यानी कि 24 सब्जेक्ट टोटल होता है जिसमें कि आपको 18 में पास करना ही पड़ेगा हर हाल में। क्लियर है? तो अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो फिर आपको सेमेस्टर 5 में प्रमोट नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पर लिख दिया गया है।
फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त सेमेस्टर 5 में प्रमोशन FY UGP सत्र 22-26 के लिए उन सभी परीक्षार्थियों क्रम संख्या 1 को मौजूद प्रमोशन क्राइटेरिया को पूर्ण करना होगा, अर्थात सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 के 24 विषयों में से 18 विषय में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। क्लियर है? तो ये बात आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, बट आपका जो सब्जेक्ट में फेल हुए हो, जिसके कारण आप प्रमोट हुए हो, ठीक है, तो आपको फिर से उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा एक्स रेगुलर के तौर पे कैंडिडेट, और आप लोग को क्लियर करना होगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, सेमेस्टर 1 का जो रेगुलर सेशन के स्टूडेंट है 23 से 27 वाले सेशन का, इनका फॉर्म भराया जा रहा है। इसके साथ स्पेशल फॉर्म भराया जा रहा है जो सेमेस्टर 1 22-26 में किसी कारण सब्जेक्ट्स में प्रमोट या फेल हुए थे, उन सभी के लिए, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो इसके साथ, और अपना जो भी सब्जेक्ट्स में, एक सब्जेक्ट में प्रमोट हुए या दो सब्जेक्ट्स में प्रमोट हुए, तो आप उस सब्जेक्ट्स फेल हुए तो आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर क्लियर कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इसी तरह से क्लियर करना होगा, और एक बात का ध्यान रखना होगा कि सेमेस्टर 5 तक के लिए आपको सारा सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेना पड़ेगा, 18 सब्जेक्ट्स पास करना होगा 24 में से। क्लियर है? तो सिर्फ अभी के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। मैं फिर से आपको रिकैप्चुलेट कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अभी सेमेस्टर 3 में वो सभी कैंडिडेट पास हो जाएंगे जो भी सेमेस्टर 1 और 2 में मिलाकर 7 सब्जेक्ट में पास है, ठीक है, 7 सब्जेक्ट में पास है। तो आप लोग सभी लोग सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले सकते हैं, और ये आप खुद से चेक कर लीजिएगा अपना मार्कशीट और डिसाइड कर लीजिएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। वो आपके पास मार्कशीट है और आप अच्छे तरीके से देख कर ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप 7 सब्जेक्ट में पास हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कोई दूसरा ऑप्शन मत ढूंढिए, डायरेक्टली आप जाकर सेमेस्टर 3 का एडमिशन सारे कॉलेज में लगभग स्टार्ट हो चुका है, आप जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले को भी इन्फॉर्मेशन चली गया होगा अगर नोटिस निकला है तो सारे कॉलेज में, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो में आशा है जो भी चीज़ मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि और भी रेगुलर अपडेट मिलते रहें।